I request all the guests to please take their seat on the stage. Saran ma'am, please. Thank you. All the students, please take your seats. I request all the faculty members to take the seats. जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिला उसे खोया नहीं करते, सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते. Good afternoon to all the respected guests, speakers, dear faculty members, principal sir and all the students. Today we all gathered here for the workshop. The topics will be mentioned in the following program. Before that, I would like to request all the dignitaries to please light the candle and start the function. Sir and ma'am, please. Sir, please. A very good morning to one and all present here. On behalf of NMDC DAV Polytechnic, I welcome all the dignitaries, respected Sri Bhupen Singh Waliaji, Engineer and Director, Lucky Engineering, Raipur. We are very much privileged to have Captain Vikram Singh Ji from Indian Navy, Dr. Reena Madam as a dietitian, Madam is with us, Sri Ashish Khare Ji, CEO, Android EL LLP, Sri Surinder Singh Oberai Ji, Owner and CEO, Pharmaceutical Company, Delhi NCR. I once again welcome you all, sir, all faculties, staff and dear students. Today, basically, we have gathered here to attend the workshop on three topics. The topic is Nutrition and Diet Guidance for Youth, number one. Number two, Importance of Discipline in Student Life. And number three, Entrepreneurship, Innovation and Startup by professional and renowned speaker. I once again welcome you all on today's program. And before proceeding, I have few lines for our guest. Atithi Dev Ban Aap Padhare, Atithi Dev Ban Aap Padhare, Swagat Ho Swikar, Dwar Hamare Aap Aagaye, Sahaj Lutate Pyar, Sadhan Kam Par Bhav Purna Hain, स्वागत हो श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार, भाव सुमन का हार. और यहाँ जो मेरे इंस्पिरेशन हैं, जिनको मैं बहुत मानता हूं, हमारे भूपिंदर सिंह वालिया जी यहाँ प्रेजेंट हैं. सर के लिए एक लाइन मैंने अलग से ही बनाई है. फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर केवल गम ही देखे हैं. आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं जनाब, आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं जनाब,
हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कमी देखे हैं, कमी देखे हैं। With this word, I once again welcome all the dignitaries, dear students and faculty members. And for further proceeding, I invite Mr. Raghvinder Diwan. Sir, please. रहता है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो मैं रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूंगा कि श्री भूपेंद्र सिंह बालिया सर को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। सर प्लीज। ये आपके प्रिंसिपल है और मेरे लिए मेरे एचओडी हैं। रायपुर में मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच। पहले मेरे टीचर हुए, अभी आप लोगों के प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट ईयर श्री आशीष कुमार तिवारी सर टू वेलकम डॉक्टर रीना सिरसाले मैम। सर प्लीज। Department Electrical, Mr. Papa Rao sir, to welcome Captain Vikram Singh sir. अखिलेश कुमार यादव सर टू वेलकम सुरेंद्र सिंह ओबराय सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अच्छा हेल्दी लाइफ जिए, तो उनके इस टॉपिक पर बोलने के लिए खरे सर सीईओ एंड को-फाउंडर एंड्रॉइड ईएल एलएलपी सर ने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी ऑनर्स किया हुआ है और आईटी मैनेजमेंट में भी इन्होंने एट सीएमसी किया हुआ है। जेनपैक इंडिया, मैक्सिको और यूएस इन देशों में, और आगे भी इन्होंने मैनेजमेंट के डायरेक्शन में भी काम किया, ऑपरेशंस को हेड किया एट मल्टीनेशनल्स आर1 आरसीएम कार्लसन वैग्नोलाइट एजीएस एंड विल्सन टाउन्स एटसेट्रा एंड ही इज वर्किंग एज अ को-फाउंडर एंड सीईओ एट एंड्रॉइड ईएल। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू इनवाइट आशीष सर। सर प्लीज। मैं यहां से बात करता हूं ताकि उतनी देर गर्दन वहां की है, थोड़ी यहां हो जाएगी एक्सरसाइज। कुछ गलत बोला? नहीं बोला, बोला। मैं इनसे बात कर रहा था इनके ऑफिस में, हम लोगों ने 10-15 मिनट बात की और हर समय इन्होंने सिर्फ जो बात की स्टूडेंट्स के लिए बात की कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं। तो वहीं से डायरेक्शन लेके क्यू लेके मैंने कहा पहले आपको एड्रेस करूं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले आप हैं, तो जो फैकल्टी आपको जो ट्रेन कर रही है और आखिर में उन्होंने अपने आप को रखा है। ठीक है, वो एक क्वालिटी है अच्छे लीडर की। तो आप जैसे मेरे फ्रेंड भूपी ने भी बताया, सेफ हैंड्स में है। अगर आप उनसे सीखेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। ठीक है, अब हम आ गए, बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है क्या बताने जा रहे हैं आपको? इंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एंड स्टार्टअप। बीपी बढ़ रहे हैं ना? बढ़ रहे हैं ना? हाँ। इसको एक काम करते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग सेकेंड या थर्ड ईयर के हैं? आप रेस की जाए सेकेंड और थर्ड, तो बाकी फर्स्ट ईयर। तो आप तो सोच रहे हैं कहाँ के फंस गए यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, आसान बनाते हैं। तो हम लोग के कॉर्पोरेट लैंग्वेज में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, किस। कीप इट सिंपल स्टूपिड। कोई भी चीज हो उसको आसान बना के
समझे और समझाए, ठीक है। उसमें क्या होता है, दिमाग कम लगाना पड़ता है, समझ ज्यादा आती है, वरना इसकी स्पेलिंग ही रटते रटते टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो वी कीप इट सिंपल स्टूपिड। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, कुछ स्टोरी सुनाकर, कुछ एग्जाम्पल देकर, और आप लोग एकदम अलर्ट होकर सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पूछूंगा सबसे। पहली चीज, डॉक्टर साहब ने आपको बताया हाउ टू हैव अ गुड हेल्थ, कैप्टन साहब ने बताया अ गुड डिसिप्लिन। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, मानसिक हेल्थ अच्छी है, डिसिप्लिन है आप में, तो आपका फाउंडेशन बन गया, नींव आपकी बन गई, और एक बार नींव बन गई तो उस नींव के ऊपर आप जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहें वो आपके हाथ में है ना। कहते ना भाई नींव बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर तो 5 माले की बिल्डिंग बना सकते हैं, 10 माले की बना सकते हैं। तो ये दो चीजें आपका जो है फाउंडेशन या नींव है, एक बार ये बन गई तो इसके ऊपर आप जितना ऊपर जाना चाहें, जितना आप ऊपर अपने पर फैला के जाना चाहें जा सकते हैं, पैर जमीन पे रखें, ठीक है। तो अब मैं एक एक्सरसाइज करूंगा आपके साथ में, आपको करना ये है, सब लोग अपने अपने दिमाग में सोचें कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हैं। कोई जॉब करना चाहता है, कोई कहेगा कि मैं अपना खुद का कुछ करूंगा, कोई कहेगा आगे पढ़ाई करनी है, तो फटाफट अपने दिमाग में सोचो क्या करना चाहते हो, फटाफट सोच लिया, गुड। जो पहले सबसे दिमाग में आया वही चीज है। अब ये बताओ मेरे हाथ में क्या है? नहीं, ये है अलादीन का चिराग, ठीक है। इसको आपने यूं करना है, तो जो चाहोगे, जितनी बड़ी नौकरी, जितना पैसा, जितना बड़ा ओहदा, सब मिलेगा, ठीक है। तो अब आपने करना यह है, आपके हाथ से चिराग है, अब आप फिर सोचिए क्या क्या करना चाहते हैं। ये चिराग सब देने को तैयार है आपको, सोच लिया क्या हुआ? थोड़ा ऊपर बढ़ी, पहले सोचा था यहां है, अब सोचा अब यहां तक जा सकते हैं, है ना। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है, सुना। तो ये पहली चीज है, ये वाली एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप ऊंचा सोच सकते हैं, दूर तक सोच सकते हैं, उसको करने की क्षमता रखते हैं, तो वो ये है। तो पहला लेसन ये है कि जब भी आप अपने एम लगाएं, टारगेट लगाएं, जो भी सोचे उसके बाद करते हैं, चिराग ले हाथ में, सोचे आँख बंद करके कि मैं और कितना दूर जाना चाहता हूँ रियली, और वो टारगेट बनाए अपना, ठीक है ना। तो वो आपको यहां ले जाएगा, कुछ नया करने की चाह वो आपको वहां ले जाएगा। दूसरी चीज इनोवेशन, थोड़ा थोड़ा कम है, कोई भी बोलो बोलो कुछ, जैसे कैटम सब गलत सही कुछ नहीं होता है, कोई भी कुछ नया करना, बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको दो स्टोरी सुनाता हूँ, एक आपकी सुनी हुई है और एक आपके साथ नहीं सुनी हुई, और दोनों स्पेस के साथ है, अंतरिक्ष, ठीक है। पहली, किस किस ने यहाँ पर थ्री इडियट्स पे फ्रेंड को दिक्कत हो रही है, यहाँ से वहां भागे जा रहा है, कहाँ था कैमरा घुमाऊं, आपके लिए कह रहा हूँ सर, कोई बात नहीं। उसमें आमिर खान को एक पेन मिलता है, क्या खासियत थी उसकी? वो स्पेस में भी लिख सकता है ना, और वो सही स्टोरी है। नासा ने वाकई पेन बनाया जो जीरो ग्रेविटी में भी लिख सके, क्योंकि बॉल पेन को लिखने के लिए ग्रेविटी चाहिए होती है, मालूम है ना सबको, साइक्लिंग इफेक्ट करता है। तो उन्होंने वाकई लाखों डॉलर्स खर्च किए थे उसके रिसर्च में बनाया। और रशियंस क्या करते थे? पेंसिल यूज करते थे, ठीक है ना। इससे क्या सीख मिलती है? कीप इट सिंपल। जो भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, उसको आप आसान तरीके से सोचिए, ठीक है। पहला लेसन, अपने खुद के स्टडीज में, करियर में भी
कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सोचिए आसानी से कैसे हो सकती है, हाउ कैन यू कीप इट सिंपल, ठीक है? ना समझ में आए पीछे हट के जाइए, बोलिए ये मैं करना क्यों चाह रहा था। पहली चीज, कई बार क्या होता है सोचने लगते हैं, बहुत सोचते हैं उसके ऊपर और वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। आप दो स्टेप पीछे आइए और फिर आप सोचिए कि मैं ये पहली करने क्यों जा रहा हूँ, ये चीज क्या अचीव करना चाहती है। कीप इट सिंपल, है ना? रशियन से वही बोला, क्या हमें लिखना है, अरे लिखने के लिए पेंसिल यूज कर लो, है कि नहीं? पहली स्टोरी, कीप इट सिंपल। सेकेंड स्टोरी, ये भी स्पेस से रिलेटेड है। तो जब पहली बार मून पे लैंड करना था शटल को, तो नासा के इंजीनियर्स को बड़ी दिक्कत आ रही थी। आप में से इलेक्ट्रिकल वाले कितने हैं? तो आप मैकेनिकल वाले भी कुछ तो अटेंड करते हैं ना, तो समझ जाएंगे आप लोग स्टोरी की। तो उसमें क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब शटल नीचे लैंड करेगा मून पे, उस पर इतने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे, जो लाइट्स लगी हुई है उसके शीशे जो है, क्योंकि बल्ब के शीशे पतले होते हैं, आप मोटर नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों तरफ का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है अलग हो जाएगा, तो फूट सकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? टेक्निकल लोग टेक्निकल बातें कर रहे हैं, हो सकता है बाकी ना समझे, कोई बात नहीं, ठीक है? तो पतला लगेगा, बल्ब पतला रहेगा तो टूट जाएगा, बड़ी दिक्कत, क्या करें इसका? और बल्ब के ऊपर ग्लास भी चाहिए, वैक्यूम चाहिए, वरना फिलामेंट जल जाएगा। देखा ना कि बल्ब का शीशा टूटता था कैसे फिलामेंट जल जाता है। तो बड़ी उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, बड़ा डिस्कशन हुआ क्या किया जाए। फिर किसी ने बोला कि स्पेस में जब मून पे लैंड करेंगे वहां तो ऐसे ही वैक्यूम है, उस पर शीशा लगाने की जरूरत ही क्यों है, फिलामेंट ऐसे ही लगा रहे जलेगा, ठीक है ना? सेकेंड लेसन, जिस एनवायरमेंट में आपको अपना इनोवेशन लगाना है, उस एनवायरमेंट को, उस एरिया को, उस इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम को आप समझें, है ना? अब इनोवेशन को हम साथ साथ देखते हैं, सिंपल और उस एरिया को समझना। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं, पहले आप समझिए कि उस आदमी को जिसके लिए आप ये बना रहे हैं उसको चाहिए क्या, वहां क्या चीज चलनी चाहिए। हर बार भले आप जॉब कर रहे हो, चाहे घर में बात कर रहे हो, चाहे बच्चों से बात कर रहे हो, हम बच्चों से बात करें तो उनसे ये बोले भले ये चाहते क्या है, इनके लिए क्या चलेगा, फिर इसको सिंपल कैसे रखें। अगर आपने कोई नई चीज ऐसी बनाई जिसको आपने सिंपल भी रखा और ऐसा बनाया जो कि उसके लिए लगती हो, तो क्या होगा, वो चीज ऑटोमेटिकली ठीक से चलेगी, राइट? तो आपने ये समझ लिया एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जिसमें आप एक रिस्क ले सके, दूर तक सोच सके, उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैशन होना चाहिए, जो कैप्टन साहब ने भी बोला कर सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं ना? सो हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। अगर ये दोनों चीजें आपने कर ली तो कोई भी स्टार्टअप या नई कंपनी या नया काम करने में, चाहे अपने लिए या दूसरे के लिए, आपका फाउंडेशन का तीसरा लेयर भी लग जाएगा। हेल्थ बन गई, डिसिप्लिन आ गया, आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि आपको क्या करना है, आप किसी भी फील्ड में कहीं भी काम करेंगे आप बढ़िया करेंगे उससे, है ना? और एक आखिरी हिंट और देके जाता हूं, मैंने कुछ लोगों को देखा नोट्स ले रहे, यहां पर ही नहीं मेरे पीछे भी। दैट इज वन हैबिट यू शुड ऑलवेज कीप, कैरी समथिंग विद यू ऑल द टाइम टू टेक नोट्स, गुड आइडियाज, ठीक है? मेरे पास भी नोटबुक है, हमेशा जो अच्छा आइडिया मिलता है मैं इस पर नोट कर लेता हूं, उसको आप बाद में यूज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। भले छोटी सी डायरी रखें लेकिन हमेशा रखें, ठीक है? थैंक यू।
गुड आफ्टरनून. हो गया ना टाइम? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू सो मच द प्रीवियस स्पीकर्स उपिंदर सिंह, डॉक्टर साहब, कैप्टन साहब एंड आशीष. दे स्पोक सो वंडरफुली. मैं क्या बोलूं? बात शुरू करता हूं छोटी सी बात से. कहते हैं सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे. कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे. जिंदगी में सबसे जरूरी चीज मेरे को लगती है इन चीजों के बाद जो डॉक्टर मैम जिन्होंने सबसे पहले हेल्थ की बात की, विच मींस फिजिकल हेल्थ. गॉट टू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल फिजिकल हेल्थ ऑन विच यू बिल्ड अप एवरीथिंग योर लाइफ. सेकंड, कैप्टन साहब एज ही सेड, डिसिप्लिन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर लाइफ ऑफ योर सेटिस्फैक्शन वेदर एवरीबडी गेट्स इट और नॉट. थर्ड पार्ट दैट आशीष यू नो एक्सप्लेन टू यू कि किस तरह से आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और उसके ऊपर जिसके ऊपर आप अपना करियर डेवलप करेंगे. यू नो मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं फ्रेंड्स वो है, धीरे धीरे उस पर आऊंगा, जो मैं फर्स्ट आपसे जो लाइन्स बोली वो क्या कि बेसिकली यू नीड टू बी वेरी वेरी यू नो फ्लेक्सिबल इन योर माइंड. अगर आप जिंदगी में बहुत जड़ हो जाएंगे ना, माइंड को बहुत जड़ करेंगे, आप जिंदगी में जल्दी बहुत चीजें सीख नहीं पाएंगे. एज ही इंसिस्टेड अपॉन हैविंग अ डायरी दैट यू आर टेकिंग नोट्स ऑन, बहुत जरूरी है इसलिए कि नए आइडिया कब कहां किससे एक छोटे से बच्चे से भी जो आपको कहीं जाते और आते दिख रहा है, कई बार उससे इतनी जिंदगी की काम की चीज आपको मिल जाएगी कि हो सकता है वो आपकी जिंदगी बना दे. मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में बहुत छोटे बच्चों से, मे बी 2, 3, 4 ईयर ओल्ड बच्चों से सीखी है. इसका क्या मतलब है? दैट वी हैव टू मेक आर सेल्फ वेरी फ्लेक्सीबल इन आर माइंड. हमारा माइंड बहुत फ्लेक्स, कहीं भी आप जड़ गए ना, अटक गए, आप ग्रो नहीं कर पाओगे. आप सबसे पहले आप जो अपनी लाइफ को देखो, नथिंग इज सेम एज इट वॉज 1 second बिफोर. जिंदगी चेंज का नाम है. ये कायनात जो ऊपर वाले परमात्मा ने रची ना, सब कुछ बदल रहा है. हमारे यहां ये कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, सब कुछ चंचल है. चंचल मींस मूविंग. आपको पता है साइंटिस्ट जब पत्थर को, किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी पदार्थ को तोड़ते 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 जब सबसे छोटी चीज पे पहुंचे, आप लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, राइट? उसके बाद यू नो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस थिंग्स आल्सो, और उसके बाद तोड़ते तोड़ते दे वेंट टू अ पार्टिकल. अभी पीछे कुछ सालों पहले स्विट्जरलैंड में एक लैब में वो लोग पहुंचे, तो दे नेम्ड इट एज गॉड्स पार्टिकल. वो इतना छोटा पार्टिकल था. And what they found was, it was not a particle which was stable. It was moving, always in motion. इसका क्या मतलब है जानते हैं दोस्तों? इससे क्या सीख मिलती है हमारे को? कि जिंदगी लगातार बदल रही है. हर मोमेंट, हर सेकेंड, एक सेकेंड जो पिछला सेकेंड था, अब वो सेकेंड सेम नहीं है. सेम नहीं है. हमारी बॉडी, दिस ह्यूमन बॉडी is made of 360 trillion cells, 360 trillion cells. Billions of cells रोज मरते हैं, billions of cells रोज पैदा होते हैं. इसका मतलब तकरीबन 2-3 महीने में we have a whole new body, that is whole new cells. अगर परमात्मा ये चाहता है कि इंसान का एक एक सेल बदल जाए, हम लोग क्यों अटक जाते हैं? शायद इसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है बहुत दोस्तों. वी कॉल देम 3 E's, एंड दोस 3 E's आर एजुकेशन. हम सब किस तरह की एजुकेशन से पाई है हमने अभी तक, हमारा एनवायरनमेंट, हम लोग किस माहौल में बड़े हुए,
अब राइट, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, तीसरा आप क्या जोड़ोगे? Anybody? I'll say exercise. Yeah. I'll tell exercise. Yeah, yeah. Exercise. Wow, that's great. Okay, डॉक्टर साहब की बात मान लेते हैं. Exercise. Exercise इन्होंने बोला है. हम लोग एक exercise करते हैं. वो mental भी हो सकती है, physical. Okay. सारे आप लोग अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, सारे दिन स्टार्ट मूविंग इट वर्टिकली अप एंड डाउन, वर्टिकली अप एंड डाउन. अब ये करते करते अपना जो आपका राइट हैंड है ना, हॉरिजॉन्टली आगे पीछे, बहुत सिंसियरली, ऊपर नीचे, लेफ्ट वाला राइट वाला आगे पीछे, बटरफ्लाईज बन रही है ना, बटरफ्लाईज बन रही है ना. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, आप जानते हो आप ये क्यों नहीं कर पा रहे अभी? बिकॉज ह्यूमन बॉडी नॉर्मली वर्क्स इन वन डायमेंशन. जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी ना अभी, और उसमें एक नया डायमेंशन जोड़ा, body takes some time to pick up, to get adapted to it. लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज थोड़े दिन अपने घर में करोगे ना, you will start doing it beautifully. I promise you. Why? Because you will get the nuances of it. आप उस वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी और आप बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर. इस एक्सरसाइज से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं अगेन, द विल टू चेंज. अभी हो सकता है आपके पेरेंट्स, बहुत सारे आप जैसे पेरेंट्स, सर वॉज यू नो व्हेन वी टॉकिंग एज वी द एस्टीम्ड गेस्ट बिफोर मी स्पोक, कि आप लोगों के शायद पेरेंट्स आप लोगों को अपने से दूर जाने जाते हुए देखना नहीं चाहते, बट यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दैट इज द ओनली वे आउट टू ग्रोथ. For you to evolve, for you to become a better person, you have to explore bigger horizons, outer horizons, new horizons. नई के खोज में चलोगे तभी तो आपको नया मिलेगा. Am I right? आपने सबने कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनी होगी. सुनिए, किसने नहीं सुनी उसको मैं बता देता हूं उसका क्या रिजल्ट था. सबने सुनिए, उस रेस में कौन जीता था? कछुआ. लेकिन मेरी जो कहानी है ना, इसमें ना ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई. जब खरगोश हारा, वो घर जाके सोचने लगा कि यार मैं क्यों हारा. उसको अपनी गलती नजर आई कि वो आगे जाके स्टार्टेड रेस्टिंग या स्लीपिंग. उसने खरगोश को एक और रेस के लिए ललकारा, ओ कछुए को, सॉरी आई एम सॉरी. कछुआ एग्री हो गया. दूसरी रेस में खरगोश शुरू से एंड तक भागता रहा, कछुआ भी चलता रहा. आपके हिसाब से कौन जीता हुआ? सॉरी, आप जोर से बोलो यार, मेरे तक आवाज. अच्छा चलो, मैं आपके माइक के बगैर आप जा नहीं सकता. जोर से बोलो आप. यस, यू आर सेइंग समथिंग. खरगोश. वेरी सिंपल. दूसरी रेस में कौन जीता? खरगोश. अब कछुए की बारी थी सोचने की. नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग न्यू. उसने कछुए ने खरगोश को थर्ड रेस के लिए ललकारा, आओ एक बार रेस. और उसने बहुत चलाकी से खरगोश उसने कछुए ने ट्रैक चेंज कर दिया. यू नो आप उसने क्या किया? उसने लैंड का जो जगह थी उसके बाद पानी ऐड कर दिया उसने. किसने? कछुए. आपके हिसाब से कौन जीता होगा? क्यों? क्योंकि खरगोश को तैरना नहीं आता. ग्रेट. थर्ड रेस. हमारी स्पिरिचुअलिटी में जानते हैं दोस्तों, एक रेस और हुई उसके बाद.
इस रेस में लैंड के पार्ट में, लैंड के पार्ट में खरगोश की पीठ पे कछुआ और पानी के पार्ट में कछुए की पीठ पे खरगोश, कौन जीता? दोनों। सो स्पिरिचुअलिटी dwells on this aspect of sharing, of giving help, of helping others, those who are in need. किसी भी aspect में। Thank you so much. Thank you so much. I think it's making sense. I can sense it's making sense. Okay. ये जो बात मैंने आपसे दोस्तों बोली, क्या? Of helping others. इतनी important aspect है दोस्तों ये, कि आप जब दूसरों को हेल्प करते हो, हम लोग क्या है आज इतनी कॉम्पिटिटिव जिंदगी में जी रहे हैं, हम लोग ना अपनी चीजें छुपाते हैं बहुत। आपको कोई नोट मिल गया, आपको कोई चीज मिल गई, आपको कोई ऐसा नुक्ते का पॉइंट मिल गया, आप सोचते हो यार मेरे कॉम्पिटिटर को पता ना चले, अदरवाइज ही गो अहेड। सोचते हो आप सब में एक कॉम्पिटिशन चलता है जिससे आपकी लगती है ना थोड़ी सी, आप चाहते हो यार वो मेरे से कहीं नंबर ज्यादा ना ले जाए। इसी तरह जब आप प्रोफेशनल जिंदगी में आते हो ना, आप सोचते हो कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए, यू नो, सफलता की सीढ़ियां मेरे से ज्यादा ना चढ़ जाए। आप जब और आगे चलते हो, आपकी जिससे लगती, आपको लगता है यार कहीं फाइनेंशियली, कहीं जिंदगी में जैसे गाड़ियां कारें पैसा मेरे से आगे ना निकल जाए। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दो चीजें होती है, एक होती है सक्सेस। कल मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था, सक्सेस मीन्स गेटिंग वट यू लाइक। सक्सेस इज गेटिंग वट यू लाइक। उसके आगे की एक चीज होती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। लाइकिंग वट यू गेट। इसका क्या मतलब है? आपका काम है अपना एफर्ट बहुत सिंसियरली करना, उसके बाद वो जो डिस्पेंस करने वाला है ना परमात्मा, वो जो दे उसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अपने अंदर बनाना। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप दुनिया भर के एग्जाम्पल देखो, मैं आपको शुरू करता हूं एल्विस प्रेस्ले, माइकल जैक्सन, ये दोनों की आप लाइफ देखो, मटेरियल लाइफ सुपर सक्सेसफुल, लोड्स ऑफ मनी, लोड्स, पैसे को गिनना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, तोलना पड़ेगा कितने पैसे, इतना पैसा था उनके पास। बट दे डाइड वेरी ट्रेजिक डेथ्स। वाई दोस्तों, पता है आप? बिकॉज दे लेड अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत, क्योंकि उन्होंने दूसरे एस्पेक्ट पे काम नहीं किया, दैट इज लाइकिंग व्हाट यू गेट। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी बोलती है आपूर्यमान मचलब प्रतिष्ठम, ये वेद बोलते हैं आपूर्यमान मचलब प्रतिष्ठम। इसका मतलब जिंदगी में दो चीजें बहुत जरूरी चाहिए, वो क्या? सक्सेस, आपका एफर्ट, सेटिस्फैक्शन व्हाट ही गिव्स यू, बिकॉज दीज बोथ कंबाइन एंड मेक इट फुलफिलमेंट। तीसरी चीज क्या है? ये दोनों चीजें जब कंबाइन हो जाती है ना आपकी जिंदगी में, You start getting fulfillment. Fulfillment means मस्त बंदा एकदम। जब आप मस्त हो जाओगे ना, आपकी जिंदगी में जानते हो क्या चेंज आएगा? चेंज आएगा आपकी जिंदगी में स्टेट ऑफ बीइंग का। आप किस स्टेट ऑफ बीइंग में हमेशा रहते? 24/7 आपको लगेगा he is your constant companion. He is your constant companion, guiding you in every smallest of decisions that you take in your life. आप छोटे से छोटे decisions जो जिंदगी में लोगे ना, He will be guiding you, and you will be so satisfied, so very satisfied. अंदर से किसी की चीज को देख के कभी ये इच्छा, कभी ये फुरना नहीं जागेगा कि दूसरे की चीज पड़ गया। भगत नामदेव की जिंदगी का एक छोटा सा हादसा अपनी वाइफ के साथ
उन दिनों में नदियां हुआ करती थी, टैप टैप नहीं हुआ, आई एम टॉकिंग ऑफ 500-600 ईयर्स अगो। वापस आ रहे थे नहाने के बाद, तो रास्ते में किसी का पड़ा हुआ सोने का हार, रास्ते में किसी का पड़ा हुआ सोने का हार नामदेव, भगत नामदेव को दिखाई दिया। इनको ये मन में ऐसा एहसास हुआ कि ये ना हो मेरी वाइफ को ये दिख जाए और वो उठाने की कोशिश करे, दौड़ के गए और उसके ऊपर उसको कवर करने की उन्होंने कोशिश की उस हार को। ओके, आर यू गेटिंग इट? वाइफ नहीं जानते हैं क्या कहा, उनकी वाइफ कहती है मिट्टी के ऊपर क्यों खड़े हो रहे। वाइफ क्या बोलती है, मिट्टी के ऊपर क्यों खड़े हो रहे। कहने लगे नहीं, मेरे को लगा कि सोने का हार है, यू माइट बी टेंटेड कि मैं इसको उठा लूं। कह रही है नहीं, जो मेरी चीज नहीं है मेरे लिए तो मिट्टी है। नामदेव ने उसी वक्त छुप के अपनी बीवी को प्रणाम किया, बोले मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे से भी आगे हो भक्ति में, तुम मेरे से भी आगे हो मेरी सोच में। दिस इज सच, यू नो, आप उस स्टेट तक पहुंचिए जहां पे लेवल ऑफ अंदर का जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको किसी की चीज को हड़पने, लेने, छीनने या चोरी करने के लिए का फुरना भी ना पैदा। फुरना मीन्स थॉट, कर्म तो बाद में आएगा ना, पहले आपके मन में थॉट आता है ना, और वो थॉट जब बहुत दिनों तक आता है तभी वो कर्म रूप में आता है आपके सामने, तभी आप उसको करने के लिए लालायित, प्रेरित या बाध्य होते हो। लालायित, प्रेरित या बाध्य आप कब होते हो, जब वो कोई फुरना आपके मन में कुछ दिन तक चला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द पॉइंट इज सेटिस्फैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, अगेन टाइम, वी हैव टाइम और नॉट? आई थिंक आई वाज स्पीकिंग टू मच, थोड़ा सा। ओके, आर यू गेटिंग बोर्ड? श्योर? यस सर। श्योर? यस सर। Are you totally sure? Yes, sir. Okay. That's great. एक बच्चा था, उदयपुर से दिल्ली आया काम की तलाश में। जब दिल्ली आया तो उससे एक जुर्म हो गया, एक गुनाह हो गया, पकड़ा गया। जब पकड़ा गया सजा हुई, जज ने उसको 3 साल की सजा सुनाई। अब जब वो 3 साल की सजा काट रहा था तो जज उससे रोज पूछता था, जेलर, आई एम सॉरी, जेलर उससे रोज पूछता था बेटा आप कहां के रहने वाले। ही नेवर टोल्ड दैट जेलर कि मैं कहां के रहने वाला। बहुत संभ्रांत परिवार से था, बहुत अच्छे परिवार से था, उसके माँ बाप गांव में रहते थे उदयपुर में, बहुत शरीफ लोग थे। जब इसके 3 साल पूरे होने को आए तो इसने अपने माँ बाप को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में इसने ये लिखा, माँ और पिता मेरे से ये गुनाह हो गया था जब मैं दिल्ली, यहाँ दिल्ली आया था, जिसके लिए मुझे सजा हुई 3 साल की। अब मैं उस सजा को पूरा करके वापस उदयपुर फलानी गाड़ी से आ रहा हूं, और ये जानने के बाद कि मेरे से ये गुनाह हुआ और इस परिवार पे जो इतना संभ्रांत सुशील और शरीफ परिवार था उसके ऊपर ये सो कॉल्ड दाग लगा, अगर आपको मैं कबूल हूं तो हमारे घर के पास जो पीपल का पेड़ है ना उस पे एक लाल कपड़ा आप टांग दीजिएगा, लाल टांकी कह लीजिए आप, टांका होता है ना, लाल कपड़ा आप टांग देते हो, अगर लाल कपड़ा टंगा होगा तो मैं ये समझूंगा कि मैं आपको कबूल हूं और मैं उदयपुर में उतरूंगा स्टेशन पे, क्योंकि रेलवे लाइन के बिल्कुल पास इनका घर था, थोड़ा सा ही आगे जाके उदयपुर रेलवे स्टेशन था। ये उस ट्रेन से जा रहा है, अब इस बच्चे के दिल में ये धड़क है, ये मतलब जिसे बोलते हैं ना इनक्विजिटिवनेस है कि बाबा आप मेरे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। होता है ना, हर बच्चे को होता है कि पता नहीं मेरे से गलती हुई है, माँ बाप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे। एक्चुअली ये जो सारा प्रसंग है ना, ये हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक जगह पर लिखा है,
और उन्होंने उस कविता में ये बताया है कि ये बच्चा मुझे उस फलानी गाड़ी में मिला था और उसने सारा वृत्तांत मेरे को सुनाया था। तो ये बच्चा ना उदयपुर का, अभी इसका घर थोड़ा सा दूर है, ये थोड़ी थोड़ी देर में दरवाजे पे आता है और देखने की कोशिश करता है कि उस पीपल के पेड़ पे मेरे माँ बाप ने वो लाल कपड़े की टांकी लगाई है कि नहीं लगाई। जब थोड़ा सा आगे गया तो बच्चा देख के हैरान हो गया कि इसके माँ बाप ने गांव वालों के साथ मिलके उस पीपल के पेड़ पे हजारों टांकियां लगा दी कि अगर कहीं हवा और का झोंका या पानी बरसे तो ये ना हो कि वो टांकियां उड़ जाएं, तब भी कुछ टांकियां पड़ी रहे। बच्चे तू हमें हमेशा कबूल है, माँ बाप को आप हमेशा कबूल है, ऐसे ही परमात्मा को हर उसका बच्चा पूरा कबूल है, चाहे वो उसको जानता है मानता है या नहीं। ही लव्स एवरी ह्यूमन बींग, हर इंसान को वो पूरा प्यार करता है, बच्चा करता है या नहीं, वो इंसान उसको करता है या नहीं, डजंट मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाभाविक बात जानिए, आपके पेरेंट्स आपको बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, पहली बात। दूसरा, यू नीड टू यू नो कीप योर माइंड वेरी वेरी फ्लेक्सिबल फॉर यू टू ग्रो बोथ मेंटली, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, डिसिप्लिन वाइज, एंड टू अचीव दैट स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ सेटिस्फैक्शन यू नीड टू इनकल्केट दीज वैल्यूज। अगर ये आप नहीं डेवलप करोगे तो आपका वही हाल होगा, जिंदगी बीत जाएगी और आपको एक छोटी सी लाइनें हैं, वो छमछम करती आई और छमछम करती चली गई, मैं सिंदूर लेके खड़ा रहा वो राखी बांध के चली। अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बहुत 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 सुंदर जिंदगी जिए। आपके अगर इतने अच्छे मार्गदर्शक हैं तो मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि आप सबका भविष्य एकदम परफेक्ट हाथों में है। यू आर गोइंग टू अचीव। थैंक यू सर। आई थिंक ये जो सेशन था वो हमारे ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव था और सर को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा। हमारे बीच आज उपस्थित को इंजीनियर एंड डायरेक्टर लकी इंजीनियरिंग, और सर के बारे में एक और इंट्रोडक्शन आपको दूं कि कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट आईआईसी काउंसिल है उनमें सर एज एन एक्सटर्नल मेंबर भी है हमारे, तो एज एन गेस्ट एंड आल्सो एज एन आप बोल सकते हैं कि हमारे होम गाइडेंस सर को मैं इनवाइट करूंगा। सर प्लीज। ये हम पांचों ना खरगोश भी हैं और कछुआ भी, क्लास 9, 10, 11 और 12 हम पांचों ने इकट्ठी की। आज भी हमसे कोई उम्र पूछता है तो हम लोग अपनी उम्र 17 साल ही बताते हैं, बाकी तो हमारा तजुर्बा है। बिल्कुल, ये जो ने बिल्कुल सही बात की, वी आर 17 ईयर ओल्ड विद 38 ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज भी हम लोग 17 साल कहेंगे, आप ही की उम्र है। ये जो समय ना आपका, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इससे पहले के जो स्कूल के दोस्त थे वो आपको भूल गए, आप उनको भूल जाओगे। बाद के जो मिलेंगे उनका आपसे कोई फायदा नुकसान से दोस्ती होगा। ये जो दोस्ती है, ये जो आपस का है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसको एकदम होल्ड कर रहा, सारी जिंदगी काम आएगा। आज हमको कितने साल हो गए, आज भी हम एक ही कक्षा के सामने पाँच हुए, कानपुर से हमने 9, 10, 11, 12 और आज भी हम, तो कभी मैं कछुआ बन जाता हूँ, कभी वो कछुआ बन जाता है, कभी वो खरगोश बन जाता है, और आज हम जो भी हैं उसकी बदौलत। आपस का जो समय और आपस में आप लोगों का जो है इसको बनाए रखना, ये हमेशा आपके आखिरी दम तक काम आएगा। आपका रिश्तेदार चले जाएगा, कोई और चले जाएगा, लेकिन हम लोग बंधे रहेंगे, ये आपको बहुत बड़ी ताकत देता है। मैं क्लास का सबसे बैक बेंचर हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ ये मुझे ज्ञान देते रहे और मैं धीरे धीरे देता रहा। इस उम्र के जो आप लोग के आपस में है ना,
इसको बनाए रखना जिंदगी और सब कुछ करना, खाना भी खाना, डिसिप्लिन भी रखना, सब काम भी करना, पर टेंशन मत लेना। मैं बिल्कुल सारा टेंशन नहीं करता, बिंदास खाता हूँ, बिंदास सोता हूँ, बिंदास सब काम करता हूँ और जो कुछ हूँ सामने। ओके थैंक यू। मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा एक बार हमारी तरफ से आप सबको। डॉक्टर सर आप बोलना चाहते हैं? ये मेरे गुरु हैं, आपके जो प्रिंसिपल है ना, ये मेरे गुरु है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। आप लोग इनका पूरा इस्तेमाल आप बोर तो नहीं हो रहे हो सब लोग? थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस, इतना सबर के साथ सब कुछ सुन रहे हो। हम पांचों ने जो भी बात की उसका एक निचोड़ यही है, अच्छी सेहत, अनुशासन, अपने हुनर को जगा के रखो और उसका नतीजा एक सक्सेसफुल लाइफ है, पर भाईचारा और दोस्ती के साथ। आज जो आप फ्रेंडशिप रख रहे हो, टीम में जो भी करोगे वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। ओके एंड अभी हम आपके लिए ये चीज ओपन इसलिए रखना चाह रहे हैं एंड आपको ये बताना भी चाह रहे हैं, अभी तक हम पांचों ने जो भी यहाँ पर बोला, आपको अगर ऐसा लगता है कुछ आप हमसे पूछना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट अपने अंदर की जो एक जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी पूछने की है उसको दबाना मत, ठीक है? पूछो आप, हमको खुशी होगी कि अगर हम आपको कुछ एक्सटेंड कर सकें, आपको कुछ गाइड कर सकें लाइफ में आगे आगे की जिंदगी के लिए, ठीक है? बट ऑन द होल मैं आप सबका थैंकफुल हूँ, बच्चों का स्पेशली, एंड ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर ने इतना अच्छा टाइम हम लोगों को भी, इन रिटर्न में हम बहुत सारी अच्छी यादें लेके जाएंगे यहाँ से, बट वेरी थैंकफुल टू द स्टाफ, द चिल्ड्रन एंड प्रिंसिपल एंड द कम्प्लीट फैकल्टी ऑफ दिस पॉलिटेक्निक। ओके नाउ द क्वेश्चन राउंड, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो एनी ऑफ अस, हम लोग आके डाइस पे आपको विल गिव यू, विल शेयर व्हाट यू वांट टू इंक्वायर। यस एनीवन ऑफ यू बेटा, किसी को कोई भी डाउट है बिल्कुल फ्री होके पूछिए, ओपन सेशन, कुछ भी पूछो, कुछ भी जो आप। अच्छा यहां पर ना अभी वो 9.8 कि आप भी आना चाह रहे हैं तो टीम, हमारी टीम जो है, मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस टीम कि वो आपसे डिस्कस करने के लिए आपके पास आना चाह रहे हैं। कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, देखिए ये मत हेजिटेट करिए कि पीछे आपके टीचर बैठे हैं, सामने मैं खड़ा हूं, डोंट वरी, ठीक है? आपको आपका क्वेश्चन, आपको ऐसा लग सकता है कि वो सिली हो आपके लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं है, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। तो आपको कहीं पे भी कोई भी बात अगर दिमाग में आ रही है बिल्कुल आप प्रेस करिए, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या आज के सेशन से रिलेटेड हो या लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। देखो सबके जीवन में कोई ना कोई समस्याएं रहती हैं, ठीक है? सबका सॉल्व करने का तरीका अपना अलग होता है और जैसा कि आप लोगों ने जैसे मेडिटेशन से जो जुड़े हुए हैं या जो सिंपल लाइफ भी ग्रो करते हैं, एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूंगा मैं इस डायरेक्शन में कि आज के जो हमारा सेशन है उसकी जो समरी है, मुझे एक ही चीज समझ में आती है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप जो चाहते हैं वो स्वयं अपना पाथ बना के वहां तक पहुंच सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लेवल ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ एम्बिशन होना चाहिए, कुछ गोल्स हमारे डिसाइड होने चाहिए। उस गोल को अचीव करने के लिए आज मैंने वॉलिया साहब से और हमारी टीम से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे बच्चों को गाइड करें। आज हम सिर्फ 50 लोग यहाँ पे बैठे हैं, कल जब आप यहाँ से जाएंगे अपने दोस्तों को बताएंगे तो हो सकता है उनके मन में ये बात आए कि नहीं यार हमने वो सेशन मिस किया। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ यही सेशन मैं सर के रिक्वेस्ट से ऑनलाइन भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यस एंड वी आर रेडी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज कम अप, आपको जहां भी समस्या है कोई भी, मैं चाहूंगा गर्ल्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम अगर ऐसा आप लोग को लगता है कि शेयर करना है, मैडम इज विद अस, ओके? आप बिल्कुल फ्री होके पूछिए, कहीं कोई बात नहीं है। बॉयज आप लोगों को ऐसा लगता है हमें आगे कहां जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। ओके सर प्लीज, किसी को पूछना है आ जाओ।